हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज की वीडियो हमारी फ्यूचर परफेक्ट पे होने वाली है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों में हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की इससे पहले के जितने भी टेंसेज हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो जो भी आप देखना चाहते हो, जिस भी टेंस की आप वीडियो देखना चाहते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्र सरकार अगले साल के अंत तक 5000 गांवों तक बिजली पहुंचा चुकी होगी। अब बात करते हैं ये कब हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर में कोई काम निश्चित टाइम तक पूरा हो चुका होगा। जब ये सेंस आए तो आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करना है। अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद आपका विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। और अगर बात करें पैसिव वॉइस की तो आपको पैसिव वॉइस में विल हैव के बाद बस आपको बीन लगाना है, क्लियर। और मॉडर्न इंग्लिश में तो सभी के साथ आप विल ही लगाते हो। या कई बार जैसे कि ग्रामर में होता है ना, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ हम विल लगा देते हैं क्योंकि स्पीकिंग में हम ये नहीं देखते आई वी के साथ शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। तो केंद्र सरकार, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, बिजली को पहुंचाने का जो काम है वो कौन करने वाला है, वो केंद्र सरकार करने वाली है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, केंद्र सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हम लगाएंगे विल हैव, क्लियर। तो विल हैव उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिजली पहुंचाना, और बिजली पहुंचाने का काम में जो वर्ब आती है वो क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाई का मतलब होता है बिजली पहुंचाना, और इलेक्ट्रीफाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रीफाइड, क्लियर। अब वो कितनों को बिजली पहुंचाने वाली है, 5000 विलेजेस, 5000 गांव को, और कब तक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्लियर। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के एंड तक बिजली पहुंचा चुकी होगी। सेंस आ गया है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम कुछ देर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को गायब कर देंगे। इसको अभी तक हमारा एक्टिव में था, अब पैसिव में ले आते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करता है उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देंगे। काम क्या किया गया है, 5000 गांवों को बिजली पहुँचाई गई है ना। तो अब सेंटेंस हिंदी में कैसे बनाया जाएगा कि 5000 गांवों को बिजली पहुंचाई जा चुकी होगी। और अगर आप लगाना चाहते हो कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा, तो बाय लगा के आप लगा सकते हो, लेकिन बाद में, पहले नहीं, क्लियर। तो कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, 5000 विलेजेस। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं, 5000 विलेजेस विल हैव बीन हम लगा देंगे। अभी मैंने बताया था ना जो पैसिव बनाते हैं विल और विल हैव के बाद हम बीन का यूज कर लेंगे, क्लियर। तो 5000 विलेजेस विल हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड। फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव में भी और पैसिव में दोनों में ही हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने भी हमारे पास्ट होते हैं वो, सॉरी, परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो क्लियर। तो इलेक्ट्रीफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, किसके द्वारा पहुँचाई जाएगी, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर लगा सकते हो, और फिर बाद में बता दोगे कब तक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के एंड तक। और अगर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को आप नहीं बताना, बस आप ये बताना चाहते हो जिसकी स्पीकिंग में हम यूज करते हैं कि भाई 5000 गांवों को बिजली पहुंचाई जा चुकी होगी, कब तक, इस साल के अंत तक, इस तरह से आप बोल सकते हो। यहाँ पे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आप हटा सकते हो। 5000 विलेजेस विल हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड बाय द एंड ऑफ द, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वे अगले साल तक घर बना चुके होंगे। अब वे अगले साल तक, आ गया ना टाइम, मतलब उस निश्चित टाइम तक उनका घर बन चुका होगा। तो दे विल हैव बिल्ट, एक्टिव वॉइस है, कौन बनाएगा, वे बनाएंगे। तो वे, दे विल हैव बिल्ट द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक, क्लियर, अगले साल तक, समझ आ गया होगा। अब क्या बनाया जा चुका होगा, घर बनाया जा चुका होगा, अगले साल तक घर बनाया जा चुका होगा। अब कौन बनाएगा, ये मैंने गायब कर दिया कुछ देर के लिए, है ना। तो द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय नेक्स्ट ईयर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वे सोमवार तक
पूरा घर पेंट कर चुके होंगे। अब टाइम दे देना कि भाई सोमवार का टाइम है और सोमवार तक वे पूरा घर पेंट कर चुके होंगे फ्यूचर में, क्लियर। तो दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय मंडे, क्लियर। अब यहाँ पे हम किसको काम क्या किया जा रहा है, यहाँ पे घर को पेंट किया जा रहा है, पूरे घर को, है ना। तो पूरे घर को सोमवार तक पेंट कर दिया जा चुका होगा, क्लियर। तो द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड। अब किसके द्वारा कर दिया जाएगा उसको लगाने के लिए आप बाय देम यहाँ पे लगा सकते हो, बाय देम बाय मंडे, क्लियर। समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये वैसे इसका स्पीकिंग में ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी टेंस है तो समझना तो हमें सारे ही टेंस आने चाहिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।